बीजेपी की सत्यानाश होना है, बीजेपी का पत्ता साफ होना है। रोड पे देखो रात रात आदमी मेहरिया बचाए कि खेत घर पे, या जानवर बचाए जमीन पे, अपने वहाँ पे रबी फसल बचाए, मोहताज हो जा रही है। सब खेत उजाड़ रहे हैं, घर घर दो दो चौकीदार बने हैं। हम खेत बचाते हैं, हमारी मेहरिया तक भी भाज गई। अगर समय रहते हुए इंडिया गठबंधन में आ जाएं, वरना दल ही नहीं रहे, दंदल में चले जाएंगे। और हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा कि मान्या बहन जी अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगी। मुझे पार्टी से निकाल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान्या बहन जी केवल दलित वोट के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अगर गठबंधन में नहीं आई तो वो समय दूर नहीं। 2024 में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आएंगी, इससे ऊपर 5वीं सीट नहीं आएगी। तो कुछ नहीं, बहन जी की और अखिलेश यादव की योजना है ये, तो उन्होंने खाली किसान सम्मान निधि नाम रख लिया है और सब किसानों के पास जमीन भी नहीं है। और अगर देश बर्बाद होगा तो सबसे बड़ा योगदान उसी गोदी मीडिया का होगा, क्योंकि आज देश बर्बाद हो रहा है। देश में चारों ओर जातिवाद पर हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान? 40 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएगा? इतने लोग खड़े हैं, आप किसी पूछे कौन सा डंका बज रहा है? बस उनकी फोटो रोज आ जाती है नए नए पोस्ट में, बस वही एक डंका बज जाता है। बाकी कोई डंका बजा होगा तो बताइए। उनको तो मंदिर में रहना चाहिए, उनको यहाँ पे सत्ता क्या मतलब है? शक्तियाँ अगर वो बता रहे हैं कि देवताओं में शक्तियाँ हैं, तो उनको उन शक्तियों के साथ रहना चाहिए ना। बस संसद में, संसद में उनका क्या काम है? कौन सा उनका काम है संसद में? ऐसे में कुछ युवा भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं यहाँ पर, तजुर्बा है जिंदगी का और कई सारे इलेक्शन उन्होंने देखे हैं। क्या कहेंगे 2024 में क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, इसको गिराना है, इस सीट को इसको गिराना है जी। बीजेपी की सत्यानाश होना है, बीजेपी का पत्ता साफ होना है। गिराना है कतई, क्यों? क्यों का ये जितने गरीबों की जमीन नहीं, पहली बात, दूसरी बात तो जो बटाई वगैरह पे है, उसके बाद में सारे साड़ छोड़ दिए हैं। रोड पे देखो रात रात आदमी मेहरिया बचाए कि खेत घर पे, या जानवर बचाए जमीन पे, अपने वहाँ पे रबी फसल बचाए, मोहताज हो जा रही है। इसलिए जो है कि 24 में सरकार पत्ता साफ बीजेपी है। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? 24 महीना का सरकार गिरे ही उनका, सरकार गिर जाए। हाँ गिर जाएगी, लेकिन वो आप लोग 400 के पार जाएंगे ना, कतई कुछ नहीं होगा। जी जी, क्या लग रहा है 24 में? अरे गैया छाड़ दी सब, सड़वा छोड़ दिए, सब खेत उजाड़ रहे हैं, घर घर दो दो चौकीदार बने हैं। हम खेत बचाते हैं, हमारी मेहरिया तक भी भाज गई, आपकी वाइफ भाग गई है, दूसरा ले गया, हम तो खेत बचा रहे हैं। तो देखिए ये है, और कुछ लोग भी जी क्या कहेंगे 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में हमें ये लग रहा है कि अब मोदी सरकार जड़ से उखड़ने वाली है, उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। अरे पूरे विश्व में नाम कर दिया, डंका बज रहा है मोदी का, क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम राज कपूर वर्मा है, मैं BTC हूँ गाँव से। मेरा गाँव है खाड़ा, विकास क्षेत्र हिरोरी। मैं यही चाहता हूं, डॉक्टर उदित राज अगर यहां हरदोई में आते हैं तो भारी मतों से जिता के भेजेंगे। क्या लग रहा है फिर 24 में? 24 में अब सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन शुरुआत तो यूपी से ही होगी, 80 सीटें हैं। हाँ 80 में 50 इंडिया की हैं सीटें, 50 इंडिया की हैं मान लीजिए, हाँ निकलेंगी। और चार बार की मुख्यमंत्री ने, उनकी सीटें आएंगी, वो भी गठबंधन में रहेंगी, उनकी भी आएंगी सीटें। अब इंडिविजुअल है तो उनको आना चाहिए भाई, जब देश क्या कहेंगे सर, हावी हैं तो उनको भी 2024 में यहाँ पर उपस्थित, आपने एक नहीं यहाँ सैकड़ों लोग हैं उपस्थित हैं, आपने देखा है 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी दल हैं, अगर समय रहते हुए इंडिया गठबंधन में आ जाएं, वरना दल ही नहीं रहे, दंदल में चले जाएंगे। और हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं तो ये भी, मैं बहुजन समाज पार्टी से भी पिछला चुनाव लड़े हैं, अभी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, और हमारे सर्व समाज की ये मांग है कि मान्या बहन जी अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगी। मुझे पार्टी से निकाल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान्या बहन जी केवल दलित वोट के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अगर गठबंधन में नहीं आई तो वो समय दूर नहीं। तो कह रही ना वोट ट्रांसफर हो जाता है दूसरों के पास, लेकिन उनका पास नहीं आता है। अरे सर, अरे जब इंडिया गठबंधन में जाएगा, गठबंधन में जब सभी लोग लड़ेंगे तो बसपा का भी आएगा, सपा का भी आएगा, कांग्रेस का भी आएगा, संयुक्त प्रत्याशी एक ही रहेगा, तो एक ही
चाहिए। ये सर्वे सेवा जी बोल रहे हैं, 2000 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं ये, 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, युवा बेरोजगार है, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी, क्या कहना चाहोगे भैया? 2024 में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आएंगी, इससे ऊपर 5वीं सीट नहीं आएगी। 4 सीटें, वो 400 के पार की बात कर रहे हैं। अरे 4 के वो तो सब बकवास है, सब बकवास है, पूरे विश्व में तो डंका बज रहा है। अरे डंक कहीं नहीं, सब अफवाह है, बाहर जाते हैं, सुनिए बाहर जाते हैं, इंडिया में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म को जातियों में बांटे हैं, ठीक। जब बाहर जाते हैं तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा से लेकर फोटो खिंचाते हैं, ठीक। तो कहते हैं मतलब बुद्ध की धरती से। अरे बुद्ध, ये तो सब प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा भैया, बुद्ध की धरती से आए, लेकिन युद्ध तो उन लोगों ने छेड़ा है। क्या युद्ध छेड़ा? युद्ध छेड़ा ये है कि हम लोगों जातियों में बांट रखा है, जात सूचक गालियां देते हैं। संविधान देश में संविधान है या नहीं है? देश में संविधान है या नहीं? संविधान है। तो संविधान है, मनुस्मृति तो नहीं है ना? नहीं, मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति ला रहे हैं, मनुस्मृति वाली इनकी सोच है, ये मनुस्मृति ला देंगे। अगर 4 महीने बाद अगर हम लोग बदले नहीं तो मनुस्मृति ला देंगे। मनुस्मृति नहीं आएगी, किसी भी हाल में नहीं आएगी। और 2024 में हमारा युवा तैयार है, सबको रोजगार चाहिए। किसान पहले झोपड़ी में सोता था, तब बेचारा गरीब था, अब मकान बना लिया तो खेत में सोता। मकान भी तो दिए मोदी सरकार ने, मकान दिए या नहीं दिए बताइए? कोई मकान कहीं किसी को नहीं दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें 50% आधी किस्त, दो किस्तों में आता है, एक किस्त पूरी खा जा रहे हैं इनके कर्मचारी। हाँ, एक किस्त पूरी खा जा रहे हैं। एक बात और, पहले माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, 500 रुपया महीना देती थी, 12×5=60,000 हुआ। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के नाम पर दिया, 12×5=60,000 हुआ। और ये भी साल में 6,000 दे रहे हैं, बशर्ते केवल एक वो हर महीने दे देते थे। अब ये 4 महीने बाद रोक करके दुतिया छे, वो कुछ नहीं, बहन जी की और अखिलेश यादव की योजना है ये, तो उन्होंने खाली किसान सम्मान निधि नाम रख लिया है। और सब किसानों के पास जमीन भी नहीं है, महिलाएं सबके घर में थी। देखिए युवा है, क्या कहेंगे देश का युवा, बहुजन युवा 24 में क्या करेगा? सर 24 में गठबंधन की सरकार बनेगी। और दूसरी चीज़ है, मोदी ने जिस तरीके से युवाओं पर छेड़ा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर जा रही है। उसके अलावा ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी सारी तो योजनाएं चलाई उन्होंने, जैसा फ्लॉप होंगी ये तो नाम ना घूम रहा है। सब युवा, अब सब सर युवा एक होगा, स्किल डेवलप हुई है भाई लोग, कोई डेवलप नहीं, ये सिर्फ चुनावी, वो केवल मीडिया ही उनकी इंडिया सब चलाती है, कोई इंडिया नहीं है, सब बेरोजगार। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं? गोदी मीडिया लगभग वो बिकाऊ मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिकाऊ मीडिया गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ जो। और अगर देश बर्बाद होगा तो सबसे बड़ा योगदान उसी गोदी मीडिया का होगा, क्योंकि आज देश बर्बाद हो रहा है, देश में चारों ओर जातिवाद फैल, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएगा, धर्म निरपेक्ष है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब मिलकर के रहेंगे, यही भाग जाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे 24 में? 24 में कहना क्या है, इनका किसी हाल में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने देश को इस हालत में, इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया, उसके लिए तो किसी के मन में, किसी के दिल में कोई भी स्थान होना ही नहीं। डंका नहीं बजा, कौन सा डंका बजा? अरे वो खाली फोटो खिंचवा लेते उसका डंका बजा, अरे कुछ करके तो दिखाएं, कागजों पे तो हर कोई डंका बजा देता है, और उसमें कौन सा उनका डंका बजा? मुझे तो नहीं लग रहा कोई डंका बजा, इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछिए कौन सा डंका बज रहा है, बस उनकी फोटो रोज आ जाती है नए नए पोज में, बस वही एक डंका बज जाता है, बाकी कोई डंका बजा होगा तो बताइए भाई। यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा, देखिए ये वो गमछा है और ये हिम्मत पैदा करता है उन तमाम बहुजन युवाओं के मन में, क्योंकि ये समानता का प्रतीक है, नीला आसमान है, नीला ये गमछा है। क्या कहना चाहोगे 24 में? मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय बहन जी की सरकार बनेगी, और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, बहन जी प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे इस बार। कैसे? अकेले? गठबंधन के साथ में। गठबंधन के साथ जी, ये तो अभी तो बहन जी अकेली हैं। अभी बहन जी अकेली हैं, पर मैं ये कह देना चाहता हूँ उनको एक होना पड़ेगा, ठीक है, अगर एक नहीं होंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग जो हम लोगों को सपना बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने देखा है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे 24 को लेकर? सर 24 में मतलब योग्यता वाला आदमी आना चाहिए फिलहाल, और तो अभी योग्यता वाले नहीं है जो युवाओं की भावनाओं को, अभी योग्यता वाले नहीं है सर, जो हम समझते हैं उतनी योग्यता तो
तो युवाओं की भावनाओं को समझ सके ऐसा आदमी मोदी जी नहीं समझते, नहीं समझ रहे सर। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की, लेकिन अभी भर्ती निकल ही नहीं रही कोई। बहुत दिन से इंतजार है, अभी देखो यूपीपी की भर्ती 2021 से इंतजार है। क्या कहना चाहोगे 24 में सर? 24 में क्या कहना चाहेंगे, हम लोग जितने पढ़े लिखे युवा हैं सब बेरोजगार हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि 24 में इंडिया की सरकार बने और मोदी जी 4 सीटों ही तक रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, 5वीं सीट नहीं मिल पाएगी। 4 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, ये तो 4 दे रहा है। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो कहूँ बिल्कुल 0 पे जाना चाहिए उनको, जिस हिसाब से आप सुपड़ा साफ करने पे तुले। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, मैं करने में नहीं तुला हूँ। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी सजग नागरिक है, एक पढ़ा लिखा नागरिक। अरे यूपी से क्राइम खत्म कर दिया योगी जी ने, पता है? अरे कौन सा क्राइम खत्म कर दिया भाई? और रोज तो लड़कियों को उठा के उनके साथ बलात्कार हो रहा है, रोज तो लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं, रोज तो दुनिया रात में लोगों को घर जला, कौन सा क्राइम खत्म हो गया यूपी में बाबा? अरे कौन से बाबा भाई? अगर बाबा है तो उनको इसको इसके लिए क्या जरूरत है भाई? उनको तो मंदिर में रहना चाहिए, उनको यहाँ पे सत्ता से क्या मतलब है? शक्तियाँ अगर वो बता रहे हैं कि देवताओं में शक्तियाँ, तो उनको उन शक्तियों के साथ रहना चाहिए ना। बस संसद में, संसद में उनका क्या काम है, कौन सा उनका काम है संसद में? तो देखिए तमाम लोग थे हरदोई में, अलग अलग विचारधारा है लोगों की। आपको क्या लगता है ये तमाम लोगों की बातें को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।